Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about vouching and verification, and we are going to discuss the basics of vouching as well as verification. तो आज हम vouching और verification के बारे में बात करने वाले हैं. Vouching क्या होता है, verification क्या होता है, और exam में जो type का question आपको पूछा जाएगा उसके बारे में आज हम detail discuss करने वाले हैं. तो video को last तक देखें और मैं आपको कुछ basic points भी बताने वाला हूँ, so आप vouching में याद रख सकते हैं, जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट बन जाएगा. तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. तो आज हम बात करने वाले हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बारे में. सो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच विल बी रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन एज कंसर्न, बिकॉज वाउचिंग और वेरिफिकेशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं. सिर्फ एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करके पूछता है कि हाउ विल यू वाउच इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम हो, या हाउ विल यू वेरीफाई एनी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हो. तो इस बेस पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इसलिए मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी यहाँ पे बताऊंगा जो आप अगर याद रखोगे तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में आए आप वो ही पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हो और उस बेस पे आपको मार्क्स मिल पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय वाउचिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन. तो काफ़ी सिंपल है. अगर हम वाउचिंग और वेरिफिकेशन की बात करें तो वाउचिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस और इनकम्स का चेकिंग. तो जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटेंट ने प्रेजेंट किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको इवैल्यूएट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा बाय द ऑडिटर कि वो जो एक्सपेंसेस और इनकम्स उसने लिखे हुए हैं वो एक्चुअली हुए हैं कि नहीं. तो उसके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे. तो वाउचिंग क्या होता है, सिंपल मतलब है, वाउचिंग का मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का इवैल्यूएशन, और वेरिफिकेशन का मतलब होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज का इवैल्यूएशन. तो वी विल बी वेरीफाइंग वेदर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू. तो ये भी आपको याद रखना है. तो फिलहाल वाउचिंग के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ते हैं. सो वाउचिंग क्या है, एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज वाउचर. तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो सपोर्ट करता है एंट्रीज को जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट किया है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने जो भी एंट्रीज प्रेजेंट किया है उसके लिए हमारे पास प्रूफ होना चाहिए. तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या सपोर्टिंग एंट्रीज को जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने किए हैं उसको जो भी एविडेंस के बेसिस पे सपोर्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वाउचर बोलते हैं. तो दैट इज बीन कॉल्ड एज अ वाउचर. और ये सारे वाउचर्स को जब ऑडिटर एक एक करके चेक करता है उस प्रोसीजर को बोला जाता है वाउचिंग. तो काफ़ी इजी है. जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो हमारे एंट्रीज जो हमने प्रेजेंट किए उसको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उसको वाउचर बोला जाता है. और ये जो वाउचर है इसके एक्ट को, ये वाउचर को जब ऑडिटर एज अ बेसिस पे चेक करता है दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ वाउचिंग. तो वाउचिंग क्या है, इट्स द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स इज कॉल्ड एज वाउचिंग. तो आइए एक डेफिनेशन देखते हैं गिवन बाय प्रोफेसर डिक्सी. वाउचिंग इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन एन ऑडिट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ऑथेंसिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस. सो ऑथेंसिटी का मतलब है रिलायबिलिटी. तो हमारा जो ट्रांजेक्शन्स हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किए हैं वो कितने ऑथेंटिकेट है, वो कितने रिलायबल है, सच में उस उतने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं कि नहीं, कि हमने कुछ फ्रॉड एक्टिविटीज़ या हमने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स प्रेजेंट किए हैं जो एक्चुअली ऑकर नहीं हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑथेंसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स. तो वाउचिंग इज द प्रैक्टिस फॉलोड इन एन ऑडिट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ establishing the authenticity of transactions. And how can we show the authenticity of transactions? We can show the authenticity of transactions by the supporting evidence which we have already discussed called as vouchers.
तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको पेपर में पूछा जा सकता है, हाउ विल यू वाउच, और आपको फिर पॉइंट्स दिए जाएंगे, इनकम्स के कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और एक्सपेंसेस के कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। जैसे इनकम्स में मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है सेल्स, रेंट रिसीव्ड, या बहुत सारे इनकम्स के पॉइंट आ सकते हैं। सिमिलरली परचेजेस आ सकता है एक्सपेंसेस में, सैलरीज वेजेस आ सकता है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप सारे के सारे पॉइंट्स तो इतने बाहर नहीं कर सकते, तो उस बेस पे कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप अगर वाउचिंग का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें कौन से पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकते हो। तो देर आर सम कॉमन पॉइंट्स विच वी कैन इजीली रिमेंबर, एंड वेदर द क्वेश्चन ऑफ वाउचिंग इनकम और वाउचिंग एक्सपेंसेस कम्स वी कैन इजीली प्रेजेंट। तो ऐसा क्वेश्चन आया, हाउ विल यू वाउच सेल्स, तो आप उसमें क्या कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हो वो मैं आपको बताने वाला। तो कॉमन पॉइंट्स टू बी रिटन इन एवरी पॉइंट वेदर इट्स एन इनकम और वेदर इट्स एन एक्सपेंसेस। नंबर वन है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ऑडिटर को क्या करना है, सबसे पहले जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे चेक करने हैं। तो पहला पॉइंट आपको इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही लिखना है। सेकेंड पॉइंट आपको देखना है नेम, डेट एंड सीरियल नंबर, वो प्रॉपरली देखना है। नेम देखना है डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर सीरियल नंबर देखना है, करंट ईयर का है वो कि नहीं वो देखना है अकॉर्डिंगली। अगर कुछ सीरियल नंबर मिसिंग है तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो इसलिए नेम देखना है, डेट देखना है, एज वेल एज सीरियल नंबर देखना है। तो उस बेस पे आप पॉइंट को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है अमाउंट। अमाउंट को भी टैली करना है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो वाउचर्स पे या डॉक्यूमेंट्स पे जो अमाउंट है, वही अमाउंट हमारे ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे बैलेंस शीट में है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो अल्टरनेटिवली क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। नंबर फोर्थ है अकाउंटिंग। ऑडिटर शुड चेक दैट अकाउंटिंग इज डन एज पर द रिलीवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे AS1 डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के बेसिस पे सारे चीजें अकाउंटेंट ने डिस्क्लोज की है कि नहीं वो भी उसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो सारे डिटेल्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं कि नहीं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो भी चेक करना है। फिर नंबर फाइव है डिस्क्लोजर। तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट कंपनी इज डिस्क्लोजिंग एवरी पॉइंट रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के बेस पे शेड्यूल 3 का फॉर्मेट फॉलो होता है, उसके बेस पे सारे के सारे डिटेल्स डिस्क्लोज हुए कि नहीं बैलेंस शीट में, वो भी ऑडिटर को प्रॉपरली इवैल्यूएट या चेक करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज नंबर फाइव डिस्क्लोजर। फिर कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर्स। ऑडिटर्स को जो कंपैरिजन करना है, ये साल के एक्सपेंसेस को प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस के साथ भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो भी डिफरेंसेस आएगा वो भी उसको ऑडिटर को प्रॉपरली उसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर लास्ट ईयर एक्सपेंस 10,000 हुआ, इस साल डायरेक्टली 1,00,000 दिख रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, इतना बड़ा लंबा डिफरेंस क्यों आया है, वो भी उनको आइडेंटिफाई करके उसके स्पेसिफिक रीजंस ढूंढने पड़ेंगे। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स है जो आप वाउचिंग के एक्सपेंसेस में और इनकम्स में, अगर आपको पेपर में हाउ विल यू वाउच कोई भी एक्सपेंस आए, हाउ विल यू वाउच कोई भी इनकम्स आए, तो आपको ये 6 पॉइंट्स तो लिखने ही है। इन सिंपल पार्ट अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया तो ये 6 के 6 पॉइंट्स के बेस पे आप प्रेजेंट करोगे तो आपको उससे रिलेटेड मार्क्स मिल पाएंगे। ऑडिटिंग का मेरा फुल कोर्स है, लिंक आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी पे मैंने काफ़ी सारे लेसन्स डाले हैं, टेस्ट चेकिंग के ऊपर, परमानेंट फाइल के ऊपर, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट के ऊपर। तो अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कन्फ्यूजन है तो आप वो विजिट करें, वहाँ पे सारे लेक्चर्स आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जस्ट चेक दैट। अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिफिकेशन? वेरिफिकेशन अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन क्या है। वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है टू चेक द फिजिकल एविडेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। वी आर गोइंग टू चेक वेदर द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विच एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब जो भी असेट्स या जो भी लाइबिलिटीज हमने बैलेंस शीट में लिखे हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड
एक्चुअल रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब ये होता है कि असेट्स हमने ज़्यादा लिख लिया, लाइबिलिटीज हमने कम लिख लिया, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में ऑडिटर को पता चलना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाई ही इज़ डूइंग वेरिफिकेशन। तो वो वैसे कंसेप्ट को विंडो ड्रेसिंग बोला जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा असेट्स लिख रहे हैं और लाइबिलिटीज़ को कम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होगा, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एंड फिजिकल एविडेंस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन इज टू कन्फर्म देयर ओनरशिप, वैल्यूएशन, प्रॉपर रिकॉर्डिंग, एग्जिस्टेंस एंड डिस्क्लोजर। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द ओनरशिप, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन एंड प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, एग्जिस्टेंस क्या है उसका, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे प्रॉपर डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे। वेरिफिकेशन क्यों किया जाता है? वेरिफिकेशन इज डन टू कन्फर्म द फॉलोइंग। असेट्स एग्जिस्ट एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, असेट जो है वो बैलेंस शीट डेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो भी हम चेक कर सकते हैं। असेट इज लीगली ओन्ड बाय द कंपनी, असेट जो है वो लीगली ओन्ड किया है कंपनी ने। कंपनी हैज रिकॉर्डेड ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज, कंपनी ने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड किए हैं, और कंपनी ने सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं जब उन्होंने असेट्स को रिकॉर्ड किया था। तो ये भी पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं इन केस ऑफ वेरिफिकेशन। अब कुछ वेरिफिकेशन के पॉइंट्स देखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको क्वेश्चन आया हाउ विल यू वेरीफाई कोई भी असेट्स का नाम, सन्ड्री डेटर्स या कोई भी लाइबिलिटीज का नाम, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे जो भी पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे, उस बेस पे कुछ कॉमन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी जो आपको याद रखने हैं। तो कॉमन पॉइंट्स में अगर हम देखें तो देर आर मेनी पॉइंट्स रिटन ओवर हियर विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पॉइंट्स रिलेटेड टू वेरिफिकेशन एज कंसर्न। पहला पॉइंट है उसमें इंटरनल कंट्रोल। तो आपको क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल ध्यान से देखना है। इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे तीन कंसेप्ट है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। तो आपको इंटरनल कंट्रोल प्रॉपरली देखना है कि स्पेसिफिक पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया होगा उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल के बारे में आपको आंसर में लिखना है। सेकेंड पॉइंट है ओनरशिप, कि ओनरशिप के बारे में ऑडिटर को चेक करना है कि वो जो असेट उन्होंने बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया है उसका ओनरशिप कंपनी के पास है कि नहीं, वो भी वेरीफाई करना है। वो कहाँ से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ऑडिटर देख सकता है, जो भी प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें वो असेट है कि नहीं। अगर उसमें वो असेट नहीं है तो नए नए बैलेंस शीट में वो जो असेट आया है उसका परचेस का रिलेटेड डिटेल्स वो चेक कर पाएगा, दैट इज ओनरशिप। देन द थर्ड पॉइंट इज वैल्यूएशन। तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है कि द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ असेट इज प्रॉपरली रिकॉग्नाइज। तो वैल्यूएशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं असेट का, कि नॉर्मल हिस्टोरिकल वैल्यू पे जो असेट लिखा था अभी मार्केट वैल्यू पे प्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है, मतलब फ्लक्चुएट होता है। तो ऑडिटर को ये सारी चीज़ें भी वेरीफाई करनी पड़ेगी इन ऑर्डर वेयर दी असेट्स आर बीन कन्वर्टेड। तो जहाँ पे असेट्स कन्वर्ट हो चुके हैं वहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बिकॉज एज पर अवर करेंसी, डॉलर हो या कोई भी अदर करेंसी के रेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू चार्ज। तो सब्जेक्ट टू चार्ज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सब्जेक्ट टू चार्ज मतलब अगर कंपनी ने कुछ लोन लिया है मॉर्गेज के बेस पे, असेट को मॉर्गेज किया, हाइपोथिकेट करके लोन लिया है, तो उस बेस पे ऑडिटर को वो भी सब चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि वो सब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट किया है कि नहीं। नेक्स्ट इज लेजर स्क्रूटिनी। लेजर स्क्रूटिनी का मतलब होता है लेजर का चेकिंग करना, जो भी हमारा लेजर है उसको इवैल्यूएट करना, उसको चेक करना, उसमें प्रॉपरली डबल एंट्री पोस्टिंग किया है कि नहीं, और सारी चीज़ें उससे रिलेटेड ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो ऑडिटर शुड चेक वेदर एनी इवेंट हैज ऑकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट विच में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द असेट। ऐसे कुछ इवेंट है कि नहीं जो बैलेंस शीट डेट के बाद ऑकर हुए और वो भी हमने प्रेजेंट कर लिए, और उस बेस पे अगर कुछ इफेक्ट हो रहा है हमारे बैलेंस शीट को वो भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका प्रॉपर इफेक्ट दिया है कि नहीं। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी देखना जरूरी है, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है, एज वेल एज उसको कौन से मेथड से चार्ज किया है वो भी ऑडिटर को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिजिकल।
वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जैसे मैंने बोला मेरे पास स्टॉक है 1 लाख का और मेरे एक्चुअल गोडाउन में स्टॉक उतना 1 लाख का नहीं है, तो इसीलिए ऑडिटर को सिर्फ ऑन पेपर स्टॉक को चेक करके वो रिलायबल है ऐसा नहीं बोल पाएगा ऑडिटर। तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा गोडाउन में वेदर द स्टॉक एग्जिस्ट, तो स्टॉक है, फिक्स असेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। ये सारी डिटेल्स आप अगर याद रखें तो प्रॉपरली आपको ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वाउचिंग और वेरिफिकेशन के ऊपर वो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ऑडिटिंग का मेरा फुल कोर्स है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, आपको करना क्या है, डाउनलोड करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे मेरा ऑडिटिंग का फुल कोर्स है, ऑल लेसन्स इन सिस्टमैटिक फॉर्मेट, यू कैन सेव द लेसन्स ऑल्सो, लिंक फॉर द कोर्स इन द डिस्क्रिप्शन। काइंडली रेट, रिव्यू, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये जो ऑडिटिंग के बेसिक्स है वो सब सारे क्लियर हो सके, और आपको धीरे धीरे इस पे भी यूट्यूब पे भी ये सब सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर।